बिहार में जो शराबबंदी है वह फेल है और बिहार के सरकार भी फेल है। यह शराब माफिया और सरकार के गठजोड़ का परिणाम है कि आए दिन बिहार में शराब माफियाओं के द्वारा लोगों की मौत की नींद सुताया जा रहा है। लेकिन सारा शराब का खेल सभी जिला के डीएम और एसपी के नेतृत्व में चल रहा है। देखिए शराबबंदी को लेकर और जिस तरीके से बिहार के अलग अलग जिलों में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई, उसको लेकर आरजेडी के तमाम विधायक है वो विधानसभा पटकों में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बिहार में जो शराबबंदी है वह फेल है और बिहार के सरकार भी फेल है। आए दिन शराब पीने में लोगों की अधिक से अधिक संख्या में मौत हो रही है और सरकार कान में तेल देकर सोए हुई है। यह शराब माफिया और सरकार के गठजोड़ का परिणाम है कि आए दिन बिहार में शराब माफियाओं के द्वारा लोगों की मौत की नींद सुताया जा रहा है। सरकार क्या करना चाहिए, आप लोग भी शराबबंदी में? सरकार को या तो पूर्ण शराब बंद कर देना चाहिए या न तो पहले जैसे था वैसे करना चाहिए। सरकार कोशिश में नाकामयाब है, कोशिश कर रही है लेकिन कोशिश में नाकामयाब है। सरकार का क्या कोशिश है, हेलीकॉप्टर से शराब खोजाया गया तब पर भी बिहार में लगभग जो है से 40-50 लोग की मौत हो गई, क्या कोशिश है? यह सरकार की उदासीनता है। यह सरकार एकदम सरकार या तो शराब पूर्ण रूपेण बंद हो या न तो पहले जैसा चालू हो। क्या नाम आपका? रामब्रेक सदा अलौली विधायक। रामब्रेक सदा है आरजेडी विधायक, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सरकार को ऐसे में एक कड़ा निर्णय लेने की जरूरत है शराबबंदी जैसे फैसले को, जिसे राजद का समर्थन था, चूंकि जब शराबबंदी बिहार में हुई थी उस वक्त बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और राजद भी उसका हिस्सा थी, और साफ तौर पर मांग है कि या तो खोल दीजिए या तो पूर्ण शराबबंदी कीजिए। हालांकि कानूनी तौर पर माने तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन राजद भी अब मांग कर रही है कि जिस तरीके से लोगों की मौत हो रही है जहरीली शराब पीने से, उसमें सरकार को एक बड़ा निर्णय लेने की ज़रूरत है। राजद के कई विधायक विधानसभा पटकों में प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथ में बैनर पोस्टर लिए हुए हैं, साफ तौर पर प्रशासन पर आरोप लगाया जा रहा है। और विधायक क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुने। शराबबंदी के आर में सभी पदाधिकारियों को, सभी जिला के एसपी और डीएम को के माध्यम से उगाही कराने का काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अगर उगाही नहीं कराते तो अगर प्रशासन चाह जाए तो कहीं भी शराब का एक बूंद नहीं मिलेगा। लेकिन सारा शराब का खेल सभी जिला के डीएम और एसपी के नेतृत्व में चल रहा है और सारे लोगों के द्वारा जो उगाही किया जा रहा है वो सरकार तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है।